सत्सद् ब्रह्मणे नमः। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्यमीश्वरं तं नमाम्याहम्। मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना। वायुरानिलमामृतमाथेतं भस्मान्तागुं शरीरम् ॐ कृतोस्मराकृतगं स्मराकृतोस्मराकृतगं स्मरा। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। ने वाले का वायु प्राण अपने अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदेव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करें, क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाए। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम इसका प्रतीक है। हे कृतो संकल्पात्मका मना, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। बाल्यावस्था से लेकर इतने काल तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर। कृतो स्मरा कृतम स्मरा, यहां स्मर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है।